फुर्सत न होगी काम से कुछ ऐसा समय निकालो कि भजन कर लो राम से। कबीरा संगति साधु की जो बंधी के बास दो जो कुछ बंधी दे तो नहीं तो भी बास सुबास। दर्शन करिए साधु का दिन में कई कई बार कहे कबीर सोई भक्त जन उतरे भव से पार। कई बार नहीं कर सके तो दो वक्त कर ले कबीरा साधु दरस से काल दगा नहीं दे। जहां से पुरुष के पुरुषार्थ खत्म हो जाला, जहां से जीव के बुद्धि मन विवेक चित ये खत्म हो जाला, ओजा से भगवान के कृपा शुरू हो जाला। जहां से ये खत्म होता है, जहां से रुक जाता है, शून्य के अवस्था होता है, वहां से भगवान कृपा शुरू होती है। जैसे जादूगर है, जादूगर जादू कुछ जादू दिखाता और कुछ हाथ की सफाई दिखाता। हम आप देख करके परेशान रहते हैं, लेकिन जादूगर और जादूगर के जो शिष्य है जमोड़ा, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग देखते हैरान हो जाते हैं। जेकर हम आप पुरुषार्थ से थक जाएंगे तो भगवान कृपा होती है, प्रमाण है भजन के माध्यम से। भैनिये हरि जी रौरा हरे भैनिये हरि जे कर केहू ना सहारा ओ पर भैनिये भगवान की कृपा है। हम पुरुष पुरुष को हम लोग आदमी आदमी को जो बना है नहीं बन पाता है, एक एक से कम नहीं है, लेकिन भगवान में एक गुण है जिसे संत है। संत को कोई कुछ बनाए तो जल्द नहीं बनेंगे, और भगवान में गुण है, भगवान हर चीज बनने के लिए तैयार है। भगवान से जो याचना करे
कच्चा मन से भगवान उसको देते हैं। सतयुग में दिए, द्वापर त्रेता में दिए, द्वापर में दिए और आज भी दे रहे हैं। वह किसको देते हैं? जो एकदम कपट बल के मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा कर कहीं रघुराई, मन से वचन से चतुराई को छोड़ कर। लेकिन भगवान भी परेशान हो जाते हैं जब जीव के चक्कर में पड़ते हैं। महाराज मनुष्य कृपा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, भारतीय हो, देसी हो, विदेशी हो, हम महाराज मनु सतरूपा का बंधन है, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाए। और महाराज मनु सतरूपा जी के पास भगवान गए तो उन लोग माने कि भाई देखिए हम तो कुछ मानते नहीं है, लेकिन भगवान बार बार ही दिए तो माने कि आप ही जैसे हमको पुत्र चाहिए। मनु महाराज ने कहे कि हमारा इच्छा है कि आप ही जैसे हमको बेटा चाहिए। शत्रुपा माता के पास भगवान का एक कुछ कंसेशन हो जाए तो शत्रुपा जी बोली ना जो पतिदेव हमारे माने हैं वही 100% कही है, आप भी जैसे पुत्र भगवान करे मेरा में भगवान जी जैसे कौन है, एक भी वही नहीं है। भगवान जी जैसा भगवान क्या है, दूसरा कोई नहीं है। मनु शत्रुपा जी को सांत्वना दी है कि शरीर से कुछ ना हो, आप तप करिए, हवा को डालिए, फिर वास उत्पन्न कर जाएंगे तो हम ही आपके बेटा के रूप में आएंगे। सब बीच में कुबरली नारी आके बोली गई सारी द्वापर में, सब बीच में कुबरली नारी आके बोली गई सारी। वहां साड़ी का जरूरत था, वस्त्र का जरूरत था, अब भगवान ने साड़ी बन गए। साड़ी बननी है लेकिन आज के माताएं जो पहनती है विदेशी पोशाक, ये बननी नहीं है। साड़ी भारत की गरिमा है, साड़ी सनातन की गरिमा है, साड़ी भर सनातन की धरोहर है। साड़ी भर बताओ वो पहनना चाहिए, साड़ी को मर्यादा बना के रखना चाहिए। भगवान साड़ी बने माता द्रौपदी को राज बताने के लिए और दुशासन कैसे बोले काली ने हार गया कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है कि नारी है। वहां साड़ी का जरूरत, भगवान साड़ी बन गए। सब पीठ विश्व बने जब द्रौपदी चारों तो निराशा पार पाई, सब कोई बोला कि सब कोई को बोली कोई नहीं बोला तो भगवान दिखाई दिए। सब बीच में कुबरली नारी आके बोली गई सारी, आके अबला। द्रौपदी को भगवान था कि मेरे पांच पति है, ससुर है, ससुर है, चारू है, देवत है, आचार्य है, गुरुजन है, जब कोई नहीं काम दिया तो अबला हो गई, अपना पुरुषार्थ हट गया, अपना पुरुषार्थ पूरा हो गया तब हट गया तो भगवान अपना पुरुषार्थ देखा कृपा की। Yeah.
भगवान राम भगवान कृष्ण दोनों ने एक ही कार्य किए, उनको मनुष्य से रिश्ता नहीं है, हाथी से घोड़ा से बंदर से भालू से सब से जीव जंतु से जल जल फल जल स्थावर सबसे कंटेक्ट है, बस वो कंटेक्ट करे तो आगे बोली बैठी साथी दोनों पीछे मुंह कर ली हाथी आगे बोली बैठी साथी आगे बोली बैठी साथी और ग्राहक मारी गजराज के भी सबसे कल गई, गजराज के भारी सेना थी, हजारों नारी थी, हजारों गण थे, मंत्री थे, सब भाग गए। गजराज के विचार पर शुद्ध भाई राहने पसारे, रात्रि के समय होने लगा तो भगवान को याद कर भगवान तुरंत उपस्थित हुए और गजराज को बचाए राह को मारे। लेकिन देखिए विजय हुआ तो गजराज को हुआ, गजराज को नहीं, गजराज को बाद में हुआ। जब सामने से भगवान और गज के सामने हाथी के सामने से वो ग्रह का आत्मा जो है भगवान में आके मिला तो गजराज आके रोने लगा भगवान के सामने, प्रभु बुलाए हम और काम ने इसको बोलो क्या अरे बुलाए हम महाराज इसको दाम दिए। बोले कि हमारा भी कानून है, हम लोग कोर्ट का कानून है, प्रशासन का कानून है, भगवान बोले कि हमारा कानून है, हम असली को बाद में डालते हैं पहले नकली को डालते हैं। जैसे साधु महात्मा को भगवान नहीं डालते, साधु संत को भगवान बाद में डालते, अपने भक्तों को बाद में डालते, लेकिन जो भक्त के बात मान लिया, जैसे मास्टर पहले नौकरी के लिए परेशान है, मजदूरी में लाग जाए, अपन जिला छोड़ के दूसरा जगह छोड़ दिया जाए, तो अथक प्रयास करेगा कि हमारे क्षेत्र में आ जाए, क्षेत्र से प्रयास करेगा हमारे गांव में आ जाए, गांव में छोड़ने के बाद घर ही पढ़ाने के पड़े, और घर में तो बड़े घर में पढ़ाइए बंद कर दे तो क्या और ऐसे है। संत महात्मा जो है एक मास्टर को पढ़ाने से एक मास्टर एक शिक्षक अपने जीवन में अनेकों बालक को बालिका को पढ़ाता है और उसके पढ़ाया हुआ छात्र एसपी डीएसपी आईएएस पीसीएस आईपीएस तक हो जाते हैं, लेकिन मास्टर जीवन भर के लिए बेचारा मास्टर ही रहता है। ऐसे भगवान के भक्त है जो जन्मों जन्मांतर के लिए भक्त ही बनते हैं, जैसे मास्टर जीवन भर के लिए मास्टर है और विद्यार्थी छात्र आईएएस पीसीएस हो गए, ऐसे जो संत महात्मा को बात मान लिया तो संत प्रसन्न है, वो आगे निकल गया। महात्मा बुद्ध कहे अरे भाई हमारे पीछे आप लोग क्यों पड़े हो, हम जिसके पीछे पड़े हैं उनके पीछे करो, बोलो भक्त भक्त भगवान की जय। रौने हरी रे को गेहूं ना सहारा हो रौने हरी रे को गेहूं ना सहारा हो रौने हरी।
भक्त भक्त सारा।